डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज अपने करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 7 बुक रेजोल्यूशन, द मैन हु न्यू टू मच, व्यक्ति जो बहुत कुछ जानता था। इसके बारे में स्टोरी है और स्टोरी के जो राइटर हैं वो हैं अलेक्जेंडर बोरोन, जिनका जीवन काल रहा है 1917 से 1999। वाज ए ब्रिटिश ऑथर एंड स्क्रीन राइटर, जो कि ब्रिटिश ऑथर और स्क्रीन राइटर थे। बैरोन्स फर्स्ट बुक एंटाइटल्ड फ्रॉम द सिटी फ्रॉम द प्लो, ये उनकी पहली बुक थी जो कि 1948 में लिखी गई थी। ये एक वार नॉवल था, युद्ध पर उपन्यास था। द मैन हु न्यू टू मच इज इंक्लूडेड इन हिज कलेक्शन द ह्यूमन काइंड। ये जो अपनी बुक का लेसन है, द मैन हु न्यू टू मच इज इंक्लूडेड, वो लिया गया है द ह्यूमन काइंड, जो कि 1953 में लिखी गई थी। थोड़ा सा स्टोरी के बारे में देख लेते हैं संक्षेप में। प्राइवेट क्वेल्च नाम के बंदे की स्टोरी है, जो कि एक ट्रेनी सोल्जर है, प्रशिक्षु सैनिक है। सैनिक जो प्रशिक्षण करने के लिए आया हुआ है, वाज ए मैन ऑफ ग्रेट एम्बिशन एंड रिमार्केबल स्किल्स। आदमी जो प्राइवेट क्वेल्च है, उसकी बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं और उसके अंदर महत्वपूर्ण कौशल भी है। द नरेटर जो कहानी बताने वाला है, एंड हिज क्लीग्स, और उसके जो साथी हैं, निकनेम्ड हिम प्रोफेसर, उसे प्रोफेसर के उपनाम से जानते हैं, ओइंग क्योंकि हिज इनॉर्मस नॉलेज इज एवरी स्फीयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्योंकि उसके पास क्या है, मानवीय पहलू के हर पहलू पर उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। क्वेल्च ऑलवेज क्वेश्चन्ड हिज इंस्ट्रक्टर्स जो प्रशिक्षण देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए आते हैं, करेक्ट Did his trainers, क्वेल्च हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता अपने प्रशिक्षक से और अपने जो ट्रेनर साथी ट्रेनर हैं उनको सही करता अगर कोई गलती होती। सर्मनाइज हिज फेलो सोल्जर, और उन्हें उपदेश भी देता। हैंस इन्वाइटिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम एवरी क्वार्टर, और इस बात के लिए उसे हर जगह से आलोचना भी झेलनी पड़ती, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस ही करेक्टेड वन ऑफ हिज इंस्ट्रक्टर्स कॉर्पोरल टर्नबुल, एक बार उसने अपने जो कॉर्पोरल टर्नबुल है उसको सही करने की कोशिश की। हु वाज एवेंज्ड विद ह्यूमिलिएशन, एवेंज्ड बदला लेना या दंड देना, ह्यूमिलिएशन अपमान का, बाय अपॉइंटिंग क्वेल्च एज हिज परमानेंट कुक हाउस इंचार्ज, वो उसे भोजनशाला के अंदर परमानेंट कुक हाउस की ड्यूटी दे देता है, कुक की ड्यूटी दे देता है। किस तरीके से ये घटनाएं घटती है, आइए पूरी कहानी के बारे में जानते हैं। आई फर्स्ट मेट प्राइवेट क्वेल्च एट द ट्रेनिंग डिपो, मैं प्रशिक्षण स्थल पर ही प्राइवेट क्वेल्च से पहली बार मिला। ए मैन इज लाइएबल टू अक्वायर, मिलने की संभावना होती है। हिज फर्स्ट वीक, अपने पहले हफ्ते में आर्मी लाइफ, जो सैनिक का जीवन है, उसके पहले हफ्ते में ही ये संभावना जरूर होती है। टुगेदर साथ में विद हिज यूनिफॉर्म, अपनी पोशाक, राइफल एंड इक्विपमेंट्स सामग्री, अन्य सामग्री जो मिलती है उसके साथ साथ उसे एक और चीज़ मिलने की संभावना होती है, वो है निकनेम, उसका उपनाम। एनीवन हु सॉ प्राइवेट क्वेल्च, जिस किसी ने भी प्राइवेट क्वेल्च को देखा, लेंकी होता है दुबला पतला, स्टूपिंग आगे की ओर झुका हुआ, फ्रॉइंग थ्रू हॉर्न रिम्ड स्पेक्टेकल्स, मोटे फ्रेम वाले चश्मे से झांकता हुआ, अंडरस्टूड, समझ जाता है जो कोई भी इस तरीके से उसे देखता है कि वाई ही हैज़ नॉन एज द प्रोफेसर, कि उसे प्रोफेसर के नाम से क्यों जाना जाता है। दोज हु हैड एनी डाउट्स शंकाएं, अगर किसी के मन में कोई शंकाएं होती है, लॉस्ट देम आफ्टर 5 मिनट्स कन्वर्सेशन विद हिम, वो सारी शंकाएं वो 5 मिनट के अंदर दूर कर देता है उससे बात करते ही। आई रिमेंबर, मुझे याद है, द फर्स्ट लेसन आई हैड इन मस्केटरी, राइफल चलाने की कला पर हमें पहला लेसन दिया जा रहा था। वी स्टूड इन एन अटेंटिव सर्किल, हम सावधानी से एक वृत्त बनाकर खड़े थे। वैन ए सार्जेंट हवलदार या जो भी उनको इंस्ट्रक्ट करने वाला था, ए मैन, एक आदमी था, एज डार्क एंड सन ड्राइड सूरज में सूखी हुई रेजिन्स,
दाख या किशमिश के जैसा सूखा हुआ और काला आदमी था वियरिंग, जिसने पहन रखी थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स। उसने दक्षिणी पश्चिमी सीमांत की फीतियां पहन रखी थी, मतलब कि वो दक्षिण पश्चिम सीमांत की सेना का सार्जेंट था जो उन्हें सिखाने के लिए आया हुआ था। डिस्क्राइब्ड द मैकेनिज्म ऑफ सर्विस राइफल, जो कि सर्विस राइफल के मैकेनिज्म के बारे में हमें ज्ञान दे रहा था, सिखा रहा था। द मजल वोलेसिटी, मजल होती है राइफल की नली, वोलेसिटी गति, स्पीड मीन भी गति, एट विच द बुलेट लीव्स, जिस गति से गोली निकलती है बुलेट गोली, द राइफल, राइफल को, ही टोल्ड यू, उसने बताया, इज वेल ओवर 2000 फीट पर सेकेंड, 2000 फीट प्रति सेकेंड की गति से भी ज़्यादा की गति से बंदूक की नली से गोली छूटती है। ए वॉइस इंटरप्टेड, इंटरप्टेड बीच में बाधा डालना, एक आवाज़ ने बीच में बाधा डाली, 2440 फीट पर सेकेंड, 2440 फीट पर सेकेंड के हिसाब से। इट वॉज द प्रोफेसर, यह प्रोफेसर ही था, दैट्स राइट, यह ठीक है, द सार्जेंट सेड विदाउट एंथुजियाज्म, सार्जेंट ने बिना कोई उत्साह के कहा कि यह ठीक है, एंड वेंट ऑन, और अपना जो कथन है वो आगे जारी रखा। लेक्चरिंग, व्याख्यान, व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर दिया लेसन, ही पुट क्वेश्चन टू अस, उसने हमसे प्रश्न पूछने शुरू किए, एंड परहैप्स, और शायद, इन द होप ऑफ रिवेंज, रिवेंज बदला लेना, ही टर्न्ड विद हिज क्वेश्चन अगेन एंड अगेन टू द प्रोफेसर, और वो शायद बदला लेने की कोशिश में हर बार मुड़कर प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछता। द ओनली रिजल्ट वाज टू एनहेंस, एनहेंस वृद्धि करना, बढ़ाना, द प्रोफेसर्स गैलोरी, गैलोरी शान, हर प्रश्न के बाद क्या है, प्रोफेसर की शान बढ़ रही थी, मतलब वो हर प्रश्न का उत्तर सही दे रहा था। टेक्निकल डेफिनेशन, जो तकनीकी परिभाषाएं होती है, द पार्ट्स ऑफ राइफल, राइफल के जो भाग होते हैं, इट्स यूज, इसका प्रयोग, एंड केयर, और इसकी देखभाल, हैड देम ऑल बाई हार्ट्स, ऑल बाई हार्ट्स का मतलब याद करना, कंठस्थ, उसके एकदम से याद थी। द सार्जेंट आस्क्ड, यू हैड एनी ट्रेनिंग बिफोर, क्या आपने इससे पहले भी कोई ट्रेनिंग ली है। द प्रोफेसर आंसर्ड विद ए फ्रेज, फ्रेज वाक्यांश, दैट वॉज टू बिकम फैमिलियर, और वो वाक्यांश हम सभी से परिचित था, मतलब हमें पहले से ही उस वाक्यांश का पता था, टू ऑल ऑफ अस, हम सभी को। नो सार्जेंट, नहीं सार्जेंट, इट इज़ ऑल ए मैटर ऑफ इंटेलिजेंट टीचिंग, रीडिंग, यह सब तो बुद्धिमानी से पढ़ाई का नतीजा है, मतलब ये सब मैंने याद किया है, मेरी कोई पहले से ट्रेनिंग नहीं हुई है। दैट वॉज अवर इंट्रोडक्शन टू हिम, यह हमारा उससे पहला परिचय था। वी सून लर्न मोर अबाउट हिम, जल्द ही हम उसके बारे में बहुत कुछ जान गए। ही सा टू दैट, और वह भी इस बात का ध्यान रखता था, वह दिखाता था, दैट ही मीन्ट टू गेट ऑन, मीन्ट उद्देश्य होना, गेट ऑन आगे बढ़ने का, तरक्की करने का। ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया, ही हैड ब्रेन्स, कि वो बुद्धिमान है, ही वॉज श्योर, और उसे पूरा यकीन है, टू गेट ए कमीशन, कमीशन होता है सेना के अंदर उच्च पद, तो जल्दी ही वो एक उच्च पद पर पहुंच जाएगा, बिफोर लॉन्ग, बहुत जल्दी। एज ए फर्स्ट स्टेप, और जो पहला कदम है उसका ऊपर कमीशन पर जाने का, ही मीन्ट टू गेट ए स्ट्रिप, कि वो सबसे पहले एक फीति प्राप्त करेगा और फिर वो ऊपर के कमीशन के पद तक जाएगा। इन परश्यूट, परश्यूट उद्देश्य पूर्ति, ऑफ हिज एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा की, ही वर्कड हार्ड, वह उसके लिए सख्त मेहनत करता था। वी हैड टू गिव हिम, और इसके लिए हमें उसे देना पड़ेगा क्रेडिट, प्रशंसा का पात्र था इसके लिए वो। ही बोरोड, उधार लेता, ट्रेनिंग मैनुअल्स, जो प्रशिक्षण की पुस्तिकाएं थी, विवरणिकाएं थी, एंड स्टेड अप लेट एट नाइट रीडिंग देम, और उन्हें देर रात तक पढ़ते रहता। ही बेजर्ड, बेजर्ड तंग करना, द इंस्ट्रक्टर्स, जो शिक्षक प्रशिक्षण देने के लिए आते थे, उन्हें तंग करता विद क्वेश्चंस, प्रश्नों से। ही ड्रिल्ड, ड्रिल्ड अभ्यास करना, विद एंथुजियाज्म, बड़े ही उत्साह से, एंड ऑन रूट मार्चेज, रूट मार्चेज जो सैनिकों को पैदल कदम ताल करवाया जाता है, वो रूट मार्चेज में कहते हैं उसे,
तो इसको अपने रूट मार्च ही बोलेंगे, या हिंदी में कवायद भी कहते हैं, कवायद। खैर रूट मार्च इजी रहेगा, मार्च पैदल मार्च जो करते हैं। ही वॉज नॉट ओनली मिराक्यूलसली, मिराक्यूलसली चमत्कारिक रूप से, टायरलेस एथक बिना थके, थकान रहित रहता, बट इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड गुस्से कर देना, नाराज कर देना, अस हमें, हम सभी को गुस्से से नाराज कर देता वो, विद हिज हॉरिबल हार्टिनेस, हॉरिबल हार्टिनेस अपने अति उत्साह के कारण वो कई बार हमें क्या है, नाराज भी कर देता। व्हाट अबाउट ए सॉन्ग चैप्स, चैप्स का मतलब दोस्तों, एक गीत के बारे में आपका क्या विचार है? और कोई अगर आपको इस तरीके से पूछे, वो भी कब, इज नॉट ग्रेटेड पोलाइटली, तो इसे कोई बढ़िया तरीके से नहीं लिया जाएगा एट द एंड ऑफ 30 miles। अगर आप 30 mile की ड्रिल और रूट मार्च करके आए हो और उसके बाद में अगर आपसे कोई कहे कि आओ दोस्तों गाना गाते हैं, तो शायद कोई भी इसे अच्छे ढंग से नहीं लेगा। हिज सैल्यूट एट द पे टेबल, सैल्यूट करना, पे टेबल जहाँ पर भुगतान होता है, महीने की सैलरी मिलती है, वो पे टेबल पे, वाज ए मॉडल एक नमूना होता, टू बी होल्ड, बी होल्ड देखने वाले के लिए। व्हेन ऑफिसर्स वर इन साइट, जब ऑफिसर दिखाई दे रहे होते, नज़र में होते, तो ही वुड स्विंग हिज लैंकी आर्म्स, तो वह अपनी जो पतली बाहें हैं उन्हें झुलाता, एंड मार्च, और मार्च करता, टू द कैंटीन, कैंटीन की तरफ, लाइक ए गार्ड्समैन, गार्ड्समैन कहते हैं ब्रिटिश आर्मी के जो सैनिक होते हैं उनकी तरह वो चलता। एंड डे इन एंड डे आउट, दिन प्रतिदिन या काफ़ी लंबे समय तक, ही लेक्चर टू अस इन हिज ड्रोनिंग, वह हमें रोजाना भाषण देता रहता, ड्रोनिंग रिमोर्सलेस वॉइस, बड़ी ही भिन भिनाती हुई और रिमोर्सलेस निष्ठुर आवाज़ के अंदर, ऑन एवरी एस्पेक्ट, प्रत्येक पहलू पर, ऑफ ह्यूमन नॉलेज, मानव ज्ञान के प्रत्येक पहलू पर वो हमें व्याख्यान देते रहता। एट फर्स्ट वी हैड सर्टेन रिस्पेक्ट फॉर हिम, शुरू में तो हम उसके लिए एक उचित सम्मान रखते थे, बट सून वी लिव्ड इन टेरर, लेकिन जल्दी ही हम उससे डरने लग गए, टेरर डर, ऑफ हिज अप्रोच उसके आगमन से, वी ट्राई टू हिट बैक हिम, हिट बैक हिम उस पर पुनः आक्रमण करना, हिट बैक विद क्लमजी सार्कम्स, क्लमजी सार्कम्स भद्दे मजाक, हम क्या है उसका बदला लेते अपने भद्दे मजाकों के साथ, एंड प्रैक्टिकल जोक्स, और उसके साथ शरारतें भी करते। द प्रोफेसर सेक्रेसली नोटिस्ड, सेक्रेसली कभी कभार मतलब नाम मात्र का ही ध्यान देता, ही वॉज टू बिजी वर्किंग फॉर हिज स्ट्रिप, उसे अपनी स्ट्रिप के लिए वो हमेशा व्यस्त रहता, ऊंचा पद पाने के लिए वो पढ़ाई करते रहता, और हमारी मजाक या जो शरारतें हैं उनकी तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इस टाइम वन ऑफ अस मेड ए मिस्टेक, अगर कभी भी किसी भी समय हम में से कोई भी मिस्टेक, गलती करता, द प्रोफेसर वुड पब्लिकली, तो प्रोफेसर है सार्वजनिक रूप से ही करेक्ट हिम, सबके सामने ही उसकी गलती निकालता, उसको सही करता। वेन एवर वन ऑफ अस शोन, शोन होशियारी दिखाना, बुद्धिमानी दिखाना, द प्रोफेसर आउट शोन हिम, तो प्रोफेसर उससे ज़्यादा होशियारी दिखाता, बुद्धिमान बनता। वेन जब आफ्टर ए हार्ड मॉर्निंग्स वर्क क्लीनिंग, जब एक सुबह सख्त परिश्रम करके जो क्लीनिंग आउट आवर हट, हमारी जो बैरक है उसकी सफाई का जो काम था वो करने के बाद, वी लिसेंड, हम सुन रहे थे इन द साइलेंस, चुप्पी के साथ, टू द ऑर्डरली ऑफिसर्स प्रेज, हमारे जो ऑर्डरली ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, उनकी प्रशंसा सुन रहे थे। तो द प्रोफेसर वुड ब्रीक आउट, ब्रीक आउट बीच में टोकना, काटना, बात को काटना, विद ए रिंगिंग ड्यूटीफुल बीमिंग, कर्तव्य से ओतप्रोत मुस्कुराहट के साथ वो बीच में ही बोल पड़ता, थैंक यू सर, आपका बहुत धन्यवाद सर, एंड हाउ सुपीरियर, और क्या है, कितना सुपीरियर, श्रेष्ठ दिखाता अपने आप को, हाउ कंडनसेंडिंग, कंडनसेंडिंग श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, शिष्ट,
या दूसरों की अपेक्षा अपने आप को ज़्यादा अच्छा बताना, कंडेंसेंडिंग। ही वाज कि वह था, इट वाज ऑलवेज ऐसा हमेशा ही होता, लेट मी शो यू ओल्ड फेलो, अरे पुराने साथी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और नो यू विल ड्यून योर राइफल दैट वे ओल्ड मैन, अरे पुराने साथी तुम इस तरीके से अपनी राइफल को र्यून कर लोगे, र्यून मीन खराब कर देना। तो इस तरीके से वो हमेशा ही कहता रहता। वी यूज्ड टू प्राइड आवर सेल्व्स ऑन एयरक्राफ्ट रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन पहचानना, हम सभी को अपने आप पर गर्व था कि हम एयरक्राफ्ट को पहचान लेते हैं। वंस आउट फॉर ए वॉक, एक बार जब हम वॉक पर जा रहे थे, वी हर्ड द ड्रोन भिन भिनाहट ऑफ ए प्लेन, एक यान की, फ्लाइंग हाई ओवर हेड, जो कि हमारे सिर के ऊपर से उड़ रहा था। नन ऑफ अस, हम में से किसी ने भी, कुड इवन सी, देख नहीं पा रहे थे, द ग्लेयर, चमक ऑफ द सन, सूरज की चमक के कारण उसे देख नहीं पा रहे थे। विदाउट इवन ए ग्लांस अपवर्ड, बिना कोई ऊपर की तरफ दृष्टि डाले, द प्रोफेसर अनाउंस्ड, प्रोफेसर ने घोषणा कर दी, दैट ऑफ कोर्स इज ए नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर, तो उसने घोषणा कर दी कि यह तो निस्संदेह एक उत्तरी अमेरिकन हार्वर्ड प्रशिक्षण विमान है। इट कैन बी अनमिस्टेकेबली, बिना कोई गलती किए, आइडेंटिफाइड, पहचाना जा सकता है बाई द हार्श इंजन टोन, इसके इंजन की जो टोन है, आवाज़ है, कर्कश, हार्श कर्कश आवाज़ है, उसके कारण पहचाना जा सकता है। और वो जो कर्कश आवाज़ आती है वो ड्यू टू के कारण आती है, हाई टिप स्पीड ऑफ द एयर स्क्रू, एयर स्क्रू जो इसके पंखे चलते हैं उनकी जो नोकदार पंखों की स्पीड के कारण जो कर्कश आवाज़ होती है उससे इसे बिना गलती किए पहचाना जा सकता है। व्हाट कुड ए गैंग ऑफ लाउट्स, गैंग ऑफ लाउट्स अनपढ़ गवार का दल, लाइक अस, हमारे जैसे अनपढ़ों का दल, व्हाट विद ए मैन लाइक दैट, उस आदमी के आगे क्या कर सकता था। नन ऑफ अस विल एवर फॉरगेट, हम में से कोई कभी नहीं भूलेगा, द ड्राउजी, ड्राउजी उनिंदी, जिसमें नींद आलस चढ़ा हुआ हो, समर आफ्टरनून, गर्मी की वो दोपहर बाद का समय है, विच वाज सच ए ट्रेनिंग टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट निर्णायक मोड साबित होना, इन द प्रोफेसर्स लाइफ, प्रोफेसर के जीवन में वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वी वर स्प्राउलिंग, स्प्राउलिंग हाथ पांव फैलाकर बैठे हुए थे, कंटेंटेडली, बड़े ही संतोष के साथ, आराम के साथ, ऑन द वारम ग्रास, गर्म घास पर, वाइल कॉर्पोरल टर्नबुल, जबकि जो कॉर्पोरल टर्नबुल है, वाज टेकिंग लेसन, वो पाठ सिखा रहे थे, ऑन द हैंड ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड पर, कॉर्पोरल टर्नबुल वाज ए यंग मैन, कॉर्पोरल टर्नबुल है, एक युवा व्यक्ति था, बट ही वाज नॉट ए मैन टू बी ट्राइफल्ड विद, ट्राइफल्ड विद मजाक उड़ाना या हल्के में लेना, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आप मजाक उड़ा सको या उसे हल्के में लो। He had come back from Dunkirk. वो Dunkirk से वापस आया था with all his equipments, अपने पूरे साजो सामान के साथ, correct, सही करके, and accounted for, accounted for उपयोग के लिए उचित बनाकर, and his pet kitten in his pocket, और उसकी जो पालतू बिल्ली का बच्चा था वो उसकी जेब में था। He was our hero. वह हमारे नायक के जैसा था, हीरो के जैसा था। We used to tell each other that, हम हमेशा ही एक दूसरे को कहा करते थे कि he was so dull, dull, मजबूत, कठोर, सख्त, that you could hammer the nails into him without his noticing it, कि आप उसके बॉडी के अंदर कील ठोक सकते हो और वो इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा, इस तरीके से वो मजबूत है। The outside of a grenade, As you can see, Corporal Turnbull was saying, Corporal Turnbull कह रहे थे कि जो ग्रनेड का बाहरी हिस्सा है, आउटसाइड है, is divided up into large number of fragments, fragments टुकड़े, असंख्य या बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित होता है, divide, विभाजित होता है, to assist segmentation, ताकि आसानी से टुकड़ों में बंट सके, segmentation टुकड़ों में बंटना।
44 44। व्हाट्स दैट, यह क्या है? द कॉर्पोरल लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, कॉर्पोरल ने अपने कंधे के ऊपर से झांका। 44 सेगमेंट्स, द प्रोफेसर बीम्ड एट हिम, प्रोफेसर उसके तरफ देखकर मुस्कुराया, बीम्ड मुस्कुराना। 44, द कॉर्पोरल सेड नथिंग, कॉर्पोरल ने कुछ नहीं कहा, बट हिज ब्रो टाइटन्ड, लेकिन उसकी जो भौहें हैं वो तन गई थी। ही ओपन्ड हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला, टू रिज्यूम, पुनः रिज्यूम, पुनः शुरुआत करने के लिए, दोबारा बोलने के लिए। एंड बाई द वे कॉर्पोरल, और वैसे कॉर्पोरल, वी वर ऑल थंडरस्ट्रक, हम सब हैरान हो गए। द प्रोफेसर वाज स्पीकिंग अगेन, प्रोफेसर दोबारा फिर से बोल रहा था। शुडंट यू हैव स्टार्टेड ऑफ, शुरू करना, प्रारंभ करना, विद द फाइव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेनेड, क्या तुम्हें ये जो पाठ है ये ग्रेनेड की पांच विशेषताओं के साथ शुरू नहीं करना चाहिए था? अवर इंस्ट्रक्टर्स, हमारे जो प्रशिक्षक हैं, एट द अदर कैंप, दूसरे शिविर में, ऑलवेज यूज्ड टू, वो हमेशा से इसी तरीके से शुरू करते थे, यू नो, क्या आपको पता है? इन द साइलेंस दैट फॉलोड, इसके बाद जो चुप्पी छा गई थी, ए डार्क फ्लश स्टैंड, एक जो डार्क फ्लश स्टैंड, गुस्से से लाल हो जाना, धब्बे वाले लाल पड़ गई, टैन, टैन मीन पीली भूरी, द कॉर्पोरल्स फेस, कॉर्पोरल्स के चेहरे की जो पीली भूरी चमड़ी थी वो एकदम से लाल हो गई। हेयर ही सेड, उसने कहा, यहाँ, यू गिव दिस लेक्चर, तुम ये लेक्चर दे दो, एज इफ का मतलब मानो कि, अफ्रेड, डरा हुआ था, टू से एनी मोर, और ज़्यादा कुछ कहने से, शायद डर रहा हो इसलिए उसने कह दिया कि तुम ये स्पीच, ये लेक्चर दे दो। ही टोस्ट द ग्रेनेड टू द प्रोफेसर, उसने प्रोफेसर की तरफ उस ग्रेनेड को फेंक दिया, क्वाइट अनबेस्ड, एकदम से बेशरम की तरह, अनबेस्ड, बेशरम। प्राइवेट क्वेल्स क्लाइम्ड टू हिज फीट, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, एंड विद द एयर, एयर मीन भावना, हाव भाव ऑफ ए मैन, एक ऐसे आदमी के हाव भाव लिए, कमिंग इन टू हिज बर्थ राइट, जो कि अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता हो लेक्चर देने को, गेव अस एन अनएक्सेप्शनल, जिसकी आलोचना न की जा सके, लेक्चर ऑन द ग्रेनेड। तो प्राइवेट क्वेल्च ने हमें एक ऐसा लेक्चर दिया जिसकी कि हम आलोचना नहीं कर सकते। द स्क्वाड लिसन इन ए काउड एंड हॉरीफाइड, दोनों का एक ही मीनिंग है, डरावना, भयभीत होना, काइंड ऑफ साइलेंस, एक डरावनी चुप्पी के साथ हमने उसको सुना। कॉर्पोरल टर्नबुल स्टूड, खड़े रहे, वॉच्ड, देखते रहे, इम्पैसिव, भावना शून्य, एक्सेप्ट फॉर, सिवा, सर्चिंग इंटेंटनेस ऑफ गेज, एक तीक्ष्ण जिज्ञासापूर्ण दृष्टि के साथ, भावना शून्य होकर वो खड़े उसे देखते रहे। When the lecture was finished, जब लेक्चर पूरा हो गया, he said, उसने कहा, thank you private quelch, आपका बहुत धन्यवाद, fall in with others now, अब दूसरों के साथ जाके खड़े हो जाओ। He did not speak again until we had fallen in, कतार में आना, जब तक हम सारे कतार में खड़े नहीं हो गए तब तक वह कुछ नहीं बोला, and were waiting to be dismissed, और हम क्या है, इंतज़ार कर रहे थे डिसमिस होने का, मतलब छोड़े जाने का। देन ही एड्रेस्ड अस, तब उसने हमें संबोधित किया, एज सम ऑफ यू मे हैव हर्ड, शायद आप में से कुछ को पता होगा या कुछ ने सुना होगा, ही बिगेन डिलिबरेटली, वह सोच समझकर बोल रहा था, द प्लाटून ऑफिसर, जो प्लाटून ऑफिसर हैं, हैज़ आस्क्ड मी टू नॉमिनेट वन ऑफ यू, फोर, आप में से किसी एक व्यक्ति को मुझे मनोनीत करने के लिए प्लाटून ऑफिसर ने बोला है। ही पॉज्ड, वह रुक गया, बोलते बोलते रुक गया, एंड लुक्ड, और देखने लगा, लिंगरिंगली, बड़े ही आराम से देखने लगा, अप डाउन द रैंक्स, कतारों में हम लोगों को वो बड़े आराम से देखने लग गया, एज इफ मानो कि सीकिंग, ढूंढ रहा हो, खोज रहा हो,
फाइनल कन्फर्मेशन ऑफ द डिसीजन, डिसीजन फैसले का जो फाइनल कन्फर्मेशन है, पुष्टि, अंतिम पुष्टि करने के लिए शायद ढूंढ रहा था. सो दिस वाज द ग्रेट मोमेंट, और यही वो महान क्षण था. ग्रेट मोमेंट महान क्षण था. मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर, कुड नॉट हेल्प ग्लांसिंग, ग्लांसिंग दृष्टि डालना, देखना. कुड नॉट हेल्प का मतलब डाले बिना, दृष्टि डाले बिना रह नहीं सके. कुड नॉट हेल्प लाफिंग मतलब हंसे बिना नहीं रह सके. इस तरीके की वर्ब्स इसके साथ लगती है, कुड नॉट हेल्प के साथ, कि किए बिना नहीं रह सके. एट द प्राइवेट क्वेल्च, हम प्राइवेट क्वेल्च की तरफ दृष्टि डालने से अपने आप को नहीं रोक सके. हु स्टूड रिजिडली, जो कि दृढ़ता से खड़ा था, टू अटेंशन, सावधान मुद्रा में, एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने एकदम से सीधा देख रहा था, विद एन एक्सप्रेशन, एक हाव भाव के साथ, ऑफ सेल्फ कॉन्शियस इनोसेंस, निष्कपटता के साथ, संकोची भाव से वो एकदम से सीधा देख रहा था, सेल्फ कॉन्शियस, संकोची. फॉर परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज, अब कॉर्पोरल बोल रहा है कि मुझे मनोनीत करने के लिए कहा गया है. क्या मनोनीत करना है? परमानेंट, स्थाई, कुक हाउस, भोजनशाला की ड्यूटीज, सेवाओं के लिए. आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला किया है, दैट प्राइवेट क्वेल्च इज जस्ट द मैन फॉर द जॉब, कि प्राइवेट क्वेल्च ही इस जॉब के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है. ऑफ कोर्स, निस्संदेह, इट वॉज ए जोक फोर डेज आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स बाद के कुछ दिनों तक यह एक जोक, चुटकुला बन गया था. ए जोक, एक चुटकुला, एंड ए जॉय टू ऑल ऑफ अस, और एक आनंद की बात हम सब के लिए. आई रिमेंबर, मुझे याद है, दो यद्यपि माई फ्रेंड ट्रावर, मेरा मित्र ट्रावर, एंड आई वर टॉकिंग अबाउट इट फ्यू डेज लेटर, हम इसके बारे में कुछ दिन बाद में बात कर रहे थे. वी वर रिटर्निंग, हम लौट रहे थे, फ्रॉम द कैंटीन, कैंटीन से, टू आवर ऑन हट, हमारी बैरक की तरफ. वेल ट्रावर रिमार्कड एज वी पास्ड द कुक हाउस, जैसे ही हम कुक हाउस के पास से निकल रहे थे, तो ट्रावर ने कहा, रिमार्कड, कहा, वेल, अच्छा, आई रिकॉन, रिकॉन अनुमान है, अंदाजा है, दैट द गीजर्स हैड हिज गॉब स्टॉप्ड फॉर ए बिट, मुझे लगता है कि, मेरा अंदाजा है कि गीजर में उस अनोखे आदमी का गॉब, मुंह, स्टॉप, रुक गया होगा, मतलब अब उसे उतनी बातें नहीं आती होगी जितना वो हमें लेक्चर दिया करता था. आई डिड नॉट आंसर, मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, बट टुक हिज आर्म्स, उसका हाथ पकड़ा, पॉइंटेड टू द कुक हाउस, और कुक हाउस की तरफ इशारा किया. थ्रू द ओपन डोर, खुले दरवाजे में से, वी कुड सी, हम देख सकते थे, द थ्री कुक्स स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, तीन जो कुक है वो दीवार के सहारे खड़े थे, एज इफ एट बे, मानो कि घोर निराशा के अंदर वो खड़े थे. एंड फ्रॉम विद इन केम द मोनोटोनस, मोनोटोनस नीरस, बड़ी ही जो अरुचिकर हो, बीट ध्वनि ऑफ ए फैमिलियर, फैमिलियर वॉइस, और अंदर से क्या है, तीन लोग खड़े थे और एक बड़ी ही नीरस आवाज़ और परिचित आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी. रियली, वास्तव में, क्या आवाज़ थी, वो क्या बोल रहा था, रियली, वास्तव में, आई मस्ट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट विरोध करना, मैं विरोध करूँगा, अगेंस्ट दिस, इसके विरुद्ध, एबोमिनेबली, एबोमिनेबली घृणित तरीके से, अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक तरीके से, एंड अनहाइजेनिक और अस्वास्थ्यपूर्ण मेथड तरीके से, पीलिंग पोटैटोज, वह उनको समझा रहा था कि आप जो आलू छीलते हैं वो छीलने का तरीका बहुत ही घृणित, अवैज्ञानिक और अस्वास्थ्यकर है. आई नीड ओनली ड्रा योर अटेंशन, मैं केवल तुम्हारा ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ. द शीयर वेस्ट, पूर्ण बर्बादी हो रही है, ऑफ विटामिन्स वैल्यूज, विटामिन्स की पूरी बर्बादी हो रही है, और मैं तुम्हारा इस कारण विरोध कर रहा हूँ कि तुम जो आलू छील रहे हो वो तरीका बिल्कुल ही गलत है. जब
नरेटर ने और उसके फ्रेंड ट्रावर ने ये बात सुनी तो वो कहते हैं कि वी फ्लीड, हम भाग गए। तो ये था आपका प्यारे विद्यार्थियों लेसन 7th। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और इसी तरीके की अलग लेसन की वीडियो मैं बनाता रहूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं।